रावण भाटा रायपुर में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जूस बेचने वाला आदमी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अधिकारियों के साथ मिलकर महादेव ऐप के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सट्टे की दलदल में ढकेल रहा है, करोड़ों अरबों की लूट कर रहा है। इस पर तो राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब सभी काले कारनामों के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं तो कार्रवाई कैसे करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की बात पिछले 5 साल में कभी नहीं की, अब चुनाव नजदीक है तो इन्हें जातिगत जनगणना याद आ रही है। अरे भाई, भूपेश को इतना समझ में नहीं आता कि जुआ सट्टा अपराध महादेव ऐप का जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी करता है, उनके ओएसडी उनके अधिकारियों से पैसे का लेन देन की बात साबित होती है। जो भी भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में होता है, भूपेश से सीधे कनेक्शन मिलते हैं। अब महादेव ऐप के बारे में बड़ा स्पष्ट चीज बता दूं कि भूपेश बघेल जो मांग कर रहा है, ये जुआ सट्टा अपराध में प्राथमिकता दर्ज करके अपराधियों को सजा दिलाने का काम भूपेश बघेल का था। ये राज्य सरकार के अंदर आता है ये सारे विषयों को जांच करना। 4 महीने तक भूपेश बैठा रहा, अब जहां तक सवाल है ईडी जांच करे बोलता है। ईडी तब आता है सामने जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए लगता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब पैसे का लेन देन बड़ी व्यापक मात्रा में जैसे हुआ है, अब ईडी इस पे कार्रवाई कर रही है। मगर प्रथम कर्तव्य भूपेश बघेल का था कि हजारों करोड़ का, अरबों करोड़ का सट्टा उनके शहर में उनके घर के आसपास हो रहा है, उनके अधिकारी लिप्त हैं, उस पर तो कार्रवाई करते महाराज। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने का कारण यही है कि जांच जिस स्तर में होनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है तो लाखों नवयुवकों के भविष्य की चिंता। आज छत्तीसगढ़ का एक एक युवा चिंतित है। अब जांच वही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो जांच क्या होगा? ये प्रमाणित हो गया न्यायालय में कि 18 लोगों को अभी न्यायालय ने रोक दिया है पद ज्वाइन करने के लिए। और जिस प्रकार की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया का लेन देन की बात, इसके लिए जब तक युवकों का मन साफ नहीं होगा वो पीएससी एग्जाम क्यों देगा? लाखों नवयुवक पीएससी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। गरीब खेत बेचकर, जमीन बेचकर कोचिंग करने वाले बच्चे, उनको लगता है कि मेरे पास 50 लाख 75 लाख नहीं होगा तो मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बनूंगा, डीएसपी नहीं बन पाऊंगा। निराशा से व्याप्त है, उसका एक ही रास्ता है। सीएम ने आज तक किसी विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जांच नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की पीएससी की बात को दो दो सभाओं में करते हैं, इसकी गंभीरता समझ में आती है। मैंने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से कि इस सारे मामले में छत्तीसगढ़ के लाखों नवयुवकों की मांग है कि इस पूरे विषय को लेकर दूध का दूध पानी का पानी हमेशा के लिए होना चाहिए। और जब तक सीबीआई जांच करके पूरे तथ्यों को सामने नहीं लाएगी और जो अपराधी हैं उनको चिन्हांकित नहीं किया जाएगा, तब तक युवकों के मन में शांति नहीं होगी। नैतिक अधिकार किसको है किसको नहीं है, पहली बात तो ये है कि उनसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर रमन ने घोषणा पत्र में नहीं कहा था, मेरे भाई उस जन घोषणा पत्र को पलटा के देख लो। माननीय भूपेश बघेल ने, राहुल गांधी ने गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, डॉक्टर रमन ने नहीं किया था। डॉक्टर रमन तो आंशिक शराबबंदी की दिशा में चल रहा था। 2000 की आबादी वाले गांव में हमने शराब बंद कर दिया था, हमारी तो नीति है। मगर उनसे यही प्रश्न करें कि ये जन घोषणा पत्र में झूठे वादे करके लोगों को आंख में धूल झोंककर वोट लेने वाले भूपेश बघेल से प्रश्न है कि तुमने वादा झूठा किया तो जनता से माफी मांगो। जब जब इनकी हालत ऐसी होती है, आज तक कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक, कभी उसकी बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल निकल गए, कभी बात नहीं हुई।
चुनाव की घंटी बजी है तो अब सब याद आ रहा है, चुनाव के पहले इनको याद नहीं आता, अब उनको बिहार अच्छा लगने लगा है। मुझे लगता है ये सारे विषय प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान के अनुसार आगे आने वाले समय में होगा। AICC मीडिया।